हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टिप्स हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, उन्हें डिस्कस करूँगा। और जो मेरा टाइटल है वो है इसका हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रोजेक्ट, और ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए। और ये कि मैं रिसर्च गाइडेंस की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं बहुत सारी जो कंटेंट है वो रिसर्च गाइडेंस के ऊपर अपलोड करूँगा। उसमें बताऊंगा कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट ऑप्ट करते समय पे कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएं, कौन सा बेस्ट सूटेबल हो सकता है आपके लिए, और हर बच्चा जिस स्पेशलाइजेशन का है उसके लिए कुछ सजेशन दूंगा रिसर्च प्रोजेक्ट में कि उसको किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट वो बना सकता है। साथ साथ दो तरीका के रिसर्च प्रोजेक्ट में मैं डिस्कशन दूंगा, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें और थ्योरेटिकल रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें। साथ साथ ये भी बताने का प्रयास करूंगा आगे कुछ वीडियो में कि आप अच्छा रिसर्च पेपर कैसे लिखें और रिसर्च पेपर लिखते समय पर किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये भी डिस्कस करूंगा। और रिसर्च कंट्रीब्यूशंस वेरियस साइंटिस्टों का वो भी डिस्कस करूंगा। तो एक बहुत ही लंबी सीरीज मैं इस पर शुरू करूंगा, और ये जो मेरी सीरीज होगी वो रिसर्च गाइडेंस के नाम से होगी। तो पूरे देश के बच्चों को और पूरे वर्ल्ड के बच्चों को इन्फ्लुएंस देने का मेरा इसमें प्रयास रहेगा कि आप एक अच्छा रिसर्चिस्ट कैसे बने और किस तरीका से आप अपने ग्रेजुएशन के लेवल से ही अपने रिसर्च इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन पर रिसर्च इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाएं, और जो आप ग्रेजुएशन के लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हो उसका बेनिफिट बताऊंगा, कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है रिसर्च में और कैसे करियर पर प्रभाव पड़ता है। तो पूरे देश के बच्चों को और पूरी दुनिया के बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन के लेवल पर ही आप प्रयास करना शुरू कर दें एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने का, रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने का। और अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल पर नहीं कर पाते हैं तो पीजी पर निश्चित तौर से प्रयास करें, क्योंकि वही समय होता है कि जहां आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, वही एक एज होती है जहां पर जो बच्चा बगैर प्रेशर के पढ़ रहा होता है, और इस तरीका से होता है कि उस पर करियर का उस समय तक दबाव नहीं होता, तो एक बहुत ही बेहतरीन उसकी सोच डेवलप हो जाती है रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू रिसर्च में। तो बेसिकली मैं क्या पीछे महसूस कर रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर जो रिसर्च का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस लेवल से रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए उस लेवल पर रिसर्च प्रमोट नहीं हुई है हमारे देश में। और अभी भी जो हमारे जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं या जो डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना जैसे कंट्री हैं उनके हिसाब से हम रिसर्च में काफ़ी पिछड़ गए हैं। तो इस चैनल के मार्फत और अपने पर्सनल लेवल पर मैं प्रयास करूँगा कि देश के अंदर थोड़ा रिसर्च का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रमोट कैसे किया जाए, तो उसके लिए प्रयासरत हूँ। उसी के संदर्भ में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट अगर ग्रेजुएशन के लेवल पर बनाएं तो किस कैसे कैसे टॉपिकों पर आप रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और अगर पीजी लेवल पर बना सकते हैं तो किन किन टॉपिकों पर बना सकते हैं। और थोड़ा सा ये भी आइडिया देने का प्रयास करूँगा कि रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के समय पर आप किस तरीका से रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कंटेंट को इकट्ठा करें और किस तरीका से फिर उस रिसर्च प्रोजेक्ट को लिखें। तो आज की डेट में जो हमारा सब हम जानते हैं इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट इस समय उपलब्ध है, तो जहां जो हमारी पहली दुनिया थी जिसके अंदर हमारे पास में कंटेंट की कमी होती थी उस तरीका की समस्या अब ख़त्म हो गई है करीब करीब देश में और पूरे वर्ल्ड में। तो आपके पास में जो कंटेंट है वो आपके पास बहुत ईजिली आपको उपलब्ध हो जाता है। तो ग्रेजुएशन के लेवल पर जैसे आप सपोज किया प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कि भाई हम ग्रेजुएशन के लेवल पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के लेवल पर कैसे आप टॉपिक पर किस तरीका से आप बढ़ा सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के टॉपिक में आप जैसे ग्रेजुएशन के लेवल पर देख रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आप जैसे लेके चल सकते हैं एक बहुत ही उमदा एक टॉपिक हो सकता है कि जैसे हमारे पास में क्या है लाइट का डुअल करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो लाइट के डुअल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पार्टिकल नेचर की, और जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो वेव नेचर से होती हैं। तो आप कैसे करें कि आप प्रोजेक्ट बनाते समय पे इस तरीका से आप लेके चल सकते हैं कि आप उठाएं ड्यूलिटी के ऊपर एक टॉपिक लें और ड्यूलिटी कंसेप्ट पे आप एक पूरा का पूरा टॉपिक तैयार करें। ड्यूलिटी के जैसे लाइट ड्यूलिटी पर आपने सोचा कि भाई हमें इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो आप क्या करें कि ड्यूलिटी पर जितनी भी थ्योरीज हैं जो भी ड्यूलिटी पे कंसेप्ट जनरेट हुए जहाँ से ड्यूलिटी कंसेप्ट पिक्चर में आया वहाँ से आप पढ़ना शुरू करें। कैसे पढ़ना शुरू करें कि पहले आप ग्रेजुएशन के लेवल पे ही प्रयास करें कि ग्रेजुएशन के लेवल पे ही चीज़ों को क्या करें, जो भी आपके पास कंटेंट है उसको पढ़ें, जो भी आपने ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ा है
उसको अच्छे रेफरेंसों के साथ में सपोर्ट करें। जैसे आर्थर बीजर को मॉडर्न फिजिक्स में वहाँ से ले सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की और रिच मेयर की जैसे बुक है उससे पढ़ सकते हैं, और जितना भी हमारे पास में कंटेंट है उनके रिसर्च पेपर पढ़ें। जैसे हमें पता है कि भाई पार्टिकल नेचर से जो हमारे पास है उस पार्टिकल नेचर में सपोज किया हमारे पास फिनोमिना है, फिनोमिना में हमारे पास में आ रहा है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जितना भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को केवल ये ना केवल आइंस्टीन थ्योरी तक पढ़ें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है रिसेंट जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले आप आइंस्टीन थ्योरी तक पढ़ लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस तक पढ़ लें जो आपको ग्रेसन के लेवल पर पढ़ जाएगा, फिर इसी में जो अब तक का डेवलपमेंट है जो पीछे जब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया और अब तक सब डेवलपमेंट को देखें पढ़ें रिसर्च पेपरों से। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आपने किया कि आपको इस पर सपोज किया ये आपने टॉपिक छांट रखा है और आपने सोचा इसी पर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करें कि जो हमारा एक रिसर्च गेट है उसके ऊपर जा सकते हैं, बहुत सारे जो रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको पेपर मिल जाते हैं, पीडीएफ पेपर में फिर पेपर को पढ़ें और उसमें आप खासतौर से एक चीज़ ध्यान रखें कि रिव्यू आर्टिकल्स पर थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, ना कि जो हमारे दो तरीका के पेपर आते हैं, एक आते हैं रिव्यू आर्टिकल्स और एक रिसर्च पेपर्स होते हैं। रिव्यू आर्टिकल्स में ये फ़ायदा होता है कि जो बच्चे इंटीरियर में रहते हैं खासतौर से गाँव में कस्बों में, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस वहाँ होती नहीं है, लैब भी नहीं होती है, इक्विपमेंट भी नहीं हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकल तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता इन जनरली, लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि वो रिव्यू आर्टिकल्स के तौर में इसे बना सकते हैं कि वो जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों की उसको देखें वर्क को और उसमें मार्क करें अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में कि भाई इस साइंटिस्ट ने इस रिसर्च प्रोजेक्ट में मतलब अपने रिसर्च पेपर में ये लिखा है, इसने ये लिखा है, इसकी ऑब्जर्वेशंस ये हैं, तो आप रिसर्च प्रोजेक्ट का उसे पार्ट बना सकते हैं और रेफरेंस में आप लिखें जिसके जिस भी साइंटिस्ट का जो भी कंट्रीब्यूशंस आपने उसमें लिया है उसे आप उसमें मेंशन कर दें। तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास एक जनरल कंसेप्ट था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो आप इसमें ले देंगे, प्रॉपर डायग्राम बना देंगे, उसके बाद इसके एप्लीकेशन डिस्कस कर देंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जितने नोबेल प्राइज आए हैं उसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आग है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिल्कन ने निकाला, मिल्कन का नोबेल प्राइज, आइंस्टीन का नोबेल प्राइज, ये सारे वर्क्स को जो एक्सटेंड करते चले जाएं और फिर फर्दर उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो सारे के सारे उसमें डिस्कस करें पूरा, और जो अब तक रिसर्च हुई है उसे सबको इनकॉर्पोरेट कर दें अपने प्रोजेक्ट में। तो ये आपका क्या होगा पार्टिकल नेचर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा का पूरा आ जाएगा। तो डेवलपमेंट का देखें और डेवलपमेंट में भी क्या करें कि रीसेंट डेवलपमेंट पर बहुत फोकस करें। रीसेंट डेवलपमेंट हमारा जो प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रीसेंट डेवलपमेंट का मतलब है कि पीछे 5 से 10 साल में जो इस पर बहुत ज़्यादा उम्दा वर्क हुआ है उसको जरूर मेंशन करें, जिसके चलते क्या होगा कि आपके जो रिसर्च प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो एकदम से इन्हांस हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट बना लेंगे और कहीं पर भी आप जाके दिखाएंगे, खासतौर से जब आप पीएचडी के कहीं इंटरव्यू में होंगे या कहीं पे भी आप साइंटिस्ट के इंटरव्यू में होंगे या आप कहीं प्रोफेसर्स के इंटरव्यू में होंगे, तो कई बार क्या होता है वो पूछते हैं कि आपने जो ग्रेजुएशन के लेवल पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, तो कई बार उसको खुल के देख लेते हैं, तो उसमें मैटर करता है कि जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है वो किस क्वालिटी का बना हुआ है। तो उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आप टॉपिक को चूज करें और उसको चूज करते समय पे एक चीज़ याद रखें, कुछ ऐसा टॉपिक आपका होना चाहिए जिसने पूरी सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला है। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया है जिसने सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा डाला है तो उससे उसकी क्वालिटी जो आपकी प्रोजेक्ट की वो अपने आप ही इन्हांस हो जाती है। क्योंकि वो जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं जहाँ पे भी आप इंटरव्यू में हैं उनको पता चल जाता है कि आपने जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इस पर अच्छे टॉपिक पर प्रोजेक्ट तैयार किया है। और क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के इम्प्रूवमेंट में यही है कि आप रेफरेंसों को जितना उसके अंदर मेंशन करेंगे और जो रेफरेंस आप मेंशन कर रहे हैं उसके अंदर आप ये भी बताएंगे कि भाई जो हमारा रेफरेंस है इसमें जो साइंटिस्ट है उसने किस इस पर क्या क्या चीज़ें सर्च करके दी हैं, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो अचानक बहुत तेज़ी के साथ इन्हांस हो जाती है। तो आप ये उठाएँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में फिर आप जाएँ कि भाई पार्टिकल नेचर पर। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को देख लें कि आप एक छोटा प्रोजेक्ट चाहते हैं बनाना या आप एक बड़ा प्रोजेक्ट चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होते हैं कई बार काफ़ी बड़े बड़े तक प्रोजेक्ट लोग बनाते हैं, 50-50 पेज तक बनाते हैं, काफ़ी कई बार ऐसा होता है कि छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, तो
तो दोनों तरीका के प्रोजेक्ट बनते हैं, एक छोटा प्रोजेक्ट होता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो छोटे प्रोजेक्ट में अभी जैसा क्या करना है, आपने ड्यूलिटी कंसेप्ट पर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ड्यूलिटी में आप ऐसा कर सकते हैं कि पार्टिकल नेचर को ही केवल लेकर चलें तो थोड़ा छोटा बनेगा, अगर आप वेव नेचर को भी साथ साथ लेकर चलें तो थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, और अगर इसी में ड्यूलिटी कंसेप्ट में आपने डी ब्रॉगली कंसेप्ट को और आगे बढ़ा दिया तो और भी रिसर्च प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको तय करना है कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट को छोटा रखना चाहते हैं या आप ये सोचते हैं कि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है। तो उसमें आपको पार्ट्स में जो लेकर चलना है वो ये है कि आप जब भी प्रोजेक्ट तैयार करें तो उसको सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखें। मैं बता दूँ खासतौर से सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पर बनाएं, आपका इंटरेस्ट कहीं और भी हो सकता है। आपका हो सकता है ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट हो तो ऑप्टिक्स में आप उठा लें, जो भी आपका टॉपिक है जहां पर आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप इंटरफ्रेंस पर उठा सकते हैं तो इंटरफ्रेंस का पूरा कंसेप्ट डेवलप कर दें, जो भी थ्योरीज आई हैं वो पूरी डिस्कस करें और उसके साथ साथ जो हमारे पीछे डेवलपमेंट हुए हैं उस पर पेपर्स पढ़ें, उन पेपरों में से कॉन्क्लूजन्स निकालें, कॉन्क्लूजन्स को लिखते चले जाएं, और ऐसा ना करें कि किसी रिसर्च पेपर की टू द पॉइंट जो कॉपी कर लें, क्योंकि वो आप जो कॉपीराइट एक्ट में उस पर आपको ध्यान रखना है कि आप किसी की कॉपी को सीधा का सीधा नहीं ले सकते। तो आप क्या करें, चीज़ों को पढ़ें और अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को मेंशन करें, नहीं तो उससे प्रॉब्लम्स होती है। कॉपीराइट एक्ट आज की डेट में लागू है, तो ये हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मैंने कहा है कि प्रिपेयर कैसे करें, तो सबसे पहले प्रिपेयर में तो यही देखें कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें कि आप किस टॉपिक पे जो है चाहते हैं। अब इंटरेस्ट के साथ साथ आपको एक चीज़ को भी देखना है कि आपका इंटरेस्ट ऐसी जगह पर अगर है भी जहाँ पर रिसर्च बिल्कुल नहीं हो रही है, या वो जो एग्जॉस्ट हो चुका है वो फील्ड, ऐसे टॉपिकों पर प्रोजेक्ट बनाने से बचें, क्योंकि आपको सदा एक ही चीज़ याद रखनी है कि उस रिसर्च प्रोजेक्ट का आपको बेनिफिट भी मिले। तो बेनिफिट कहाँ मिलता है कि जैसे आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया, आपको पता है कि भाई सुपर कंडक्टिविटी पर रिसर्च हो रही है, तो आप सुपर कंडक्टिविटी पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट सुपर कंडक्टिविटी पर बना लें। आपको पता है कि हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन एक टॉपिक रहता है जिस पर लगातार रिसर्च हुई है। हमें ये पता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारी रिसर्चें हुई हैं, सबसे ज़्यादा फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ जो है न्यूक्लियर फिजिक्स से आए, तो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आप ले सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी खास तौर से क्वार्क मॉडल जैसा रिसेंट बहुत न्यूज में रहा है, तो आप रिसेंट क्वार्क मॉडल पर बना सकते हैं। उसके अलावा कंजर्वेशन लॉज होते हैं हमारे पास में, तो कंजर्वेशन लॉज का बना सकते हैं उसको थोरोली, तो कंजर्वेशन लॉ को कवर करते हुए न्यूक्लियर फिजिक्स में लेकर चल सकते हैं। अल्फा बीटा गामा जेके की थ्योरीज हैं, वेरियस थ्योरीज हैं, उन पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा की कौन कौन सी थ्योरीज आई, कैसे आईं, उनमें क्या क्या एक्सप्लेनेशंस आई, आप उसमें देख सकते हैं कि बीटा जेके है। आजकल जैसे पीछे मैं देख रहा हूँ लगातार डबल बीटा जेके पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है, वो एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो ऐसे टॉपिक्स को चूज करें जिस टॉपिक्स में एक बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके पास उपलब्ध हो सकता है, आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप डिलीवर करने की स्थिति में आ सकते हैं, और इस बात को भी ध्यान रखें कि वो टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा हो। अब सिग्निफिकेंट में क्या है कि इम्पोर्टेंट ये होता है कि रिसर्च गाइडेंस में ज़रूरी होता है कि एक आपको प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध हो। तो गाइडेंस उपलब्ध में क्या है कि पूरे देश के बच्चों से इस वीडियो के मार्फत मैं कहना चाहूँगा कि मैं हर समय उपलब्ध हूँ आपको गाइड करने के लिए। अगर आपको टीचर मिल जाते हैं आपके अपने कॉलेज में मिल जाते हैं, या आपके अपने कॉलेज में नहीं मिलते, पास के किसी कॉलेज में मिल जाते हैं, या वहाँ नहीं मिल पाते कहीं पड़ोस में मिल जाते हैं, किसी दूसरे शहर में मिल जाते हैं, तो गाइडेंस के तहत प्रोजेक्ट बनाएं। ऐसा ना करें कि अपने आप ही शुरू कर दें प्रोजेक्ट बनाना। एक गाइडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो लोग रिसर्च में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं विगत वर्षों से लगातार बच्चों के मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए हैं, असाइनमेंट लगातार चेक किए हैं बच्चों की, बहुत सारों की काउंसलिंग की है, बहुत सारे बच्चों को जो है दिशाएं दी हैं, बहुत सारे बच्चों को एमएससी के लेवल पर रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कराए हैं और ग्रेजुएशन के लेवल पर प्रोजेक्ट तैयार कराए हैं। तो वहाँ से मैंने सीखा कि बच्चों को एक अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाते समय पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक इतना विस्तृत टॉपिक है कि एक बार में इसे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसमें एक सीरीज दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें आज डिस्कस करूँगा, फिर कुछ आगे फर्दर डिस्कस करूँगा। तो एक तो ये कि आप सबसे पहले अपना रिसर्च प्रोजेक्ट उसी फील्ड में बनाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट में भी ये देख लें कि आपका इंटरेस्ट अगर है भी कहीं ऐसी जगह पर जहाँ जो फील्ड एग्जॉस्ट हो गया है या ओल्ड हो गया है, जिसमें फर्दर स्कोप की संभावनाएं कम हैं, तो उन फील्डों में आप काम ना करें, क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि आपकी एनर्जी तो लगेगी लेकिन उससे आउटपुट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट आपका ऐसा हो उसमें भी ये देख लें कि दो तरीका से चीज़ें, कोई प्रोस्पेक्ट्स में पढ़ें कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, आपका टॉपिक ऐसा हो जिसमें लेटेस्ट रिसर्च चल रही हो, ये बेस्ट है।
अगर कोई ओल्ड फील्ड है तो उस फील्ड को लेफ्ट कर जाएं, उस फील्ड में काम ना करें। अब आप सोचेंगे कि सर हम ये कैसे पता करें कि लेटेस्ट फील्ड जो है वो कहाँ काम होता है। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो जितनी भी रिसर्च होती है, मैक्सिमम जो रिसर्च है वो मटेरियल साइंस में हिंदुस्तान में रिसर्च होती है। सबसे ज़्यादा जो फील्ड है भारत के अंदर जहाँ काम होता है वो मटेरियल साइंस में होता है। तो मटेरियल साइंस में आपको पता है कि मटेरियल साइंस जो है बेसिकली वो सॉलिड स्टेट की जो इसमें हम अध्ययन करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अगर टॉपिक पे आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाओगे सदा लाभ में रहोगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है मटेरियल साइंस जिस पे फर्दर स्कोप सदा था, है और आगे भी बना रहेगा। तो ये आप मटेरियल साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मॉडर्न फिजिक्स में, जैसे बहुत सारी रिसर्च होती हैं मॉडर्न फिजिक्स, तो मतलब ये होता है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट फिजिक्स का होकर आया है वो मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप देख सकते हैं जैसे हमारी बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं, अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी FTIR पर बहुत काम होता है, NMR पर काम होता है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस EPR पर काम होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस पर काम होता है। जो हमारे जो टेक्नोलॉजी यूज होती हैं उन पर आप जैसे रख सकते हैं। आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कैसा हो सकता है, ग्रेजुएशन के लेवल पर आप ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं जैसे आपने कोई इक्विपमेंट ले लिए तो इक्विपमेंट पर आप बना सकते हो कि जो हमारे पास इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास लेटेस्ट अप्रेटस हैं वो कौन कौन से काम कर रहे हैं, उनसे हम क्या क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसमें आप टॉपिक ले सकते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ पर जैसे भी यूज हो रही है, चाहे वो नैनो फिजिक्स में यूज हो रही है, चाहे वो नैनो पार्टिकल जो हम डेवलप कर रहे हैं उनके मेथड्स ले सकते हैं कि भाई नैनो पार्टिकल के मेथड्स किस तरीका से डेवलप होते हैं, कितने मेथड्स से हम नैनो पार्टिकल्स को ग्रो कर सकते हैं, उनका सिंथेसिस और करेक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स पर जैसे भारत में बहुत रिसर्चें होती हैं और पूरी दुनिया में काफ़ी रिसर्च होती है, तो आप नैनो पार्टिकल्स पर जैसे आप रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पर भी, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि जो मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ वो केवल ग्रेजुएशन के ही बच्चे बना सकते हैं, पीजी के भी बच्चे बना सकते हैं। लेकिन बनाते समय पे एक चीज़ याद रखें कि जहाँ पे भी आप जिस टॉपिक के ऊपर आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरी सलाह है, उसी टॉपिक को वो आपका रिसेंट पढ़ा हुआ हो। उससे ये फ़ायदा होता है कि रिसेंट पढ़े में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको उस समय क्लियर होती हैं, तो आप उस समय पे बेहतरीन रिसर्च प्रोजेक्ट उसमें बना सकते हैं। जैसे थर्ड ईयर में आप रिसर्च प्रोजेक्ट बीएससी थर्ड ईयर में सपोज किया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो बीएससी थर्ड ईयर का ही कोई टॉपिक उसमें ऑप्ट करें। जैसे बीएससी थर्ड ईयर में बहुत जगह मैं देख रहा होता हूं कि टॉपिक जो है हमारा मटेरियल साइंस या मतलब सॉलिड स्टेट थर्ड ईयर के कोर्स में है तो मटेरियल साइंस पर बना लें, न्यूक्लियर फिजिक्स वहाँ कोर्स में है तो आप न्यूक्लियर फिजिक्स के किसी टॉपिक पर बना लें। उसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट ऑप्ट करते समय पे एक तो पैरामीटर ये है कि आपके वो सिलेबस में कवर हो, एक तो इस चीज़ पे ध्यान रखें, इंटरेस्ट पे ध्यान रखें, उसके अलावा उस पर आपको प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध हो। प्रॉपर गाइडेंस जो है वो या तो टीचर की प्रॉपर गाइडेंस हो या किसी सीनियर की प्रॉपर गाइडेंस हो, या जो बच्चे कई बार ऐसा होता है कि उनका भाई या उनके कोई रिलेटिव्स या कहीं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च कर रहे हैं उस फील्ड में, वहाँ से उन्हें कंसल्टेंसी मिल सकती है, तो वो ऐसे फील्ड पर रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं उनके सीनियर वहाँ से निकल के जाते हैं किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फैकल्टी हो गए NPL में हो गए या कहीं अच्छी जगह पे हैं या TIFR में है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं कई बार बच्चों को क्या करता हूँ वहाँ पे बच्चों को भेज देता हूँ गाइडेंस के लिए। वो बच्चे क्या करते हैं वहाँ से कंसल्ट कर लेते हैं, उनसे डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक को, उनके पास जो फैसिलिटी हैं कई बार पर्सनल लेवल पे उन फैसिलिटियों का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये आप इस चीज़ को भी देखें, ये भी एक पैरामीटर्स होना चाहिए जब भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट को तय करें कि आप सपोज क्या आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट में वर्क करना चाहता हूँ, कुछ चाहता हूँ कि रिसर्च प्रोजेक्ट में कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क दिखाऊं, तो आप एक्सपेरिमेंटल वर्क तभी दिखा पाएंगे जब आपको प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी जिस फील्ड में आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसमें प्रॉपर फैसिलिटी उपलब्ध हो। अगर आपको वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि फिर उसको आपको गाइड करने वाला कोई होगा नहीं, और फिर अगर आपने वो प्रोजेक्ट बनाने का सोचा तो पूरा कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो थ्योरेटिकल में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ही आपका रिसर्च प्रोजेक्ट बन जाए और आपका रिसर्च गाइडेंस मतलब जहाँ से भी आपको रिसर्च गाइडेंस उपलब्ध हो रही है, जिस भी टीचर के उसमें सजेशन में आप उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, जो आपको सलाह दे रहा है, जो आपको समय समय पर एडवाइज कर रहा है, उसके साथ आप उस रिसर्च पेपर के फॉर्मों से पब्लिश भी कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे साथ में कुछ पेपर पब्लिश भी किए, और मैं जब भी गाइडेंस बच्चों को दे रहा होता हूँ तो कई बार कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बच्चों के साथ तैयार कराऊँ कि जो उसी पर उनका पब्लिकेशन भी आ जाए। तो बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर ही कोई पब्लिकेशन अच्छा सा डाल दें
और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे ही एक अच्छा पब्लिकेशन दे देते हैं तो आपके रिसर्च में एंट्री करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आपके प्रोफाइल में भी बढ़ जाता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे भी पब्लिकेशन कर रखा है। तो उन बच्चों के लिए जो काफ़ी शार्प हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूटों में पढ़ रहे हैं, जिनकी पीछे से बैकग्राउंड अच्छी है, जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध है, उन्हें सदा प्रयास करना चाहिए कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है और अंडर ग्रेजुएट पे भी नहीं बना सकते तो पीजी के लेवल पे सदा प्रयास करें कि आप पीजी के लेवल पे जितने भी बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट से निकल कर आते हैं कि वो पब्लिकेशंस उनका आ जाए पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे ही। तो उसके चलते क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं रिसर्च का, और एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं यह कहना चाहूँगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे जब भी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएं तो ये याद रखें कि उनका एक्सपोजर थोड़ा और बेटर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा समय उन्हें ज़्यादा मिलता है, वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट पर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर आपके पास में तीन तीन सब्जेक्ट रहते हैं और यहाँ पर क्या होता है पीजी के लेवल पर आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना ईजी पड़ता है। लेकिन प्रोजेक्ट बनाने में ये भी याद रखें कि पीजी के लेवल पर अगर आप बना रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखें। स्पेशलाइजेशन में जैसे मैं मटेरियल साइंस में कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि आप मटेरियल साइंस में जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो किन किन टॉपिकों पर आप प्रोजेक्ट बनाएं। तो प्रोजेक्ट बनाते समय पर एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो जिन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, मैं कुछ चीज़ें पॉइंट वाइज लिखे देता हूँ क्योंकि वो आपको क्लियर रहनी चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा। तो एक तो इंटरेस्ट रखें, एक दूसरा जो इसमें आपको रखना है इंटरेस्ट के साथ साथ वो ये है कि जो आपका टॉपिक हो वो कैसा हो, टॉपिक हो जो हमारा करंटली जो है वो सिग्निफिकेंट हो। करंटली सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि उस फील्ड में रिसर्च चल रही हो और वो फील्ड एग्जॉस्टिव ना हो, करंटली सिग्निफिकेंट हो मतलब लगातार जो है उस पर काम चल रहा हो, ये टॉपिक्स को चूज करते समय याद रखें। एक तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि आपको उस फील्ड में प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध हो, ऐसा ना हो कि आपने फील्ड ऑप्ट कर लिया और उसके पास आपने सोचा रिसर्च प्रोजेक्ट में इसमें बनाऊंगा और प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध नहीं है। तो ये रखें कि प्रॉपर गाइडेंस उस फील्ड में उपलब्ध हो। चौथा ये है कि अगर पीजी के लेवल पर बना रहे हैं तो पीजी के लेवल पर खासतौर से ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आपका स्पेशलाइजेशन के फील्ड में रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन में फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि आप उसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते जा रहे हैं, जैसे कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसका प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पेपर पढ़ता है उस पे में जिसमें भी उसका स्पेशलाइजेशन होता है। मेटेरियल साइंस में कोई बच्चा अगर सपोज किया पीजी कर रहा है तो उसे मेटेरियल साइंस में कोशिश करनी चाहिए, न्यूक्लियर वाले को न्यूक्लियर में, स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो उससे क्या होता है वो बनाना भी इसलिए जी पड़ता है क्योंकि उस पर हाँ गाइडेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं उसकी। तो पीजी के लेवल पे स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा कोशिश करें। उसके अलावा जो पाँचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप ऑप्ट करें कि भाई आपको जो रखना है उसमें यह है कि एक्सपेरिमेंटल जो प्रोजेक्ट है उसे केवल वही बच्चे बनाने का प्रयास करें जिनके पास एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी है या वो पर्सनल लेवल पे या उनका जो गाइड है रिसर्च प्रोजेक्ट का वो उसको एक्सपेरिमेंटल सुविधाएं प्रोवाइड करा सकता है। वही बच्चे एक्सपेरिमेंट के लिए जाएं जो प्रोजेक्ट बनाएं, थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट के लिए वो जाएं जिनके पास थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट जो है वो बच्चे तैयार करें जिन्हें एक्सपेरिमेंटल सुविधा नहीं है। थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट थोड़े इजी पड़ जाते हैं कंपैरेटिवली, इस सेंस में कि उन्हें एक्सपेरिमेंटल सुविधाओं के लिए नहीं जाना पड़ता। एक यह है कि जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी याद रखें कि आपके पास में जो कंटेंट है वो होना चाहिए। कंटेंट का मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास खूब सारा कंटेंट वहाँ पर उपलब्ध हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि जिस फील्ड के अंदर आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उस पर आपके पास एनफ पहले से लिटरेचर उपलब्ध हो। लिटरेचर में भी यह है कि आपके पास अच्छे अच्छे रेफरेंस हों, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो अच्छी अच्छी बुकें उस फील्ड की वो आपको पढ़ी हुई हों, ना भी पढ़ी हैं तो वो आपके पास उपलब्ध हों, आप पढ़ना शुरू करें उन्हें। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उसके पास में रिसर्च पेपर उस फील्ड के काफ़ी होने चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है उस फील्ड में जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपरों का आपको अध्ययन करना चाहिए। रिसर्च पेपर में देखना चाहिए कि लोगों ने क्या क्या काम पिछले खासतौर से देखें, तो जब से वो डिस्कवरी हुई है खासतौर से जो डिस्कवरी है उसमें याद रखें कि वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की रिसर्च हो। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की मतलब ये है उसको रिसर्च को मैं मानता हूँ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की जो पीछे हमारी 1900 से और 2020 के बीच में ये पिछले 100 साल के अंदर जनरेट हुई है उसी फिजिक्स को मैं मॉडर्न में काउंट करना चाहूँगा। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप प्रोजेक्ट बनाएं कि मतलब जो हमारी लेटेस्ट
है रिसर्च, और उसको सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएं। सीक्वेंस में पढ़ने का मतलब ये है कि वन बाय वन फर्दर स्टेप में, एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और उस फील्ड के अंदर कोशिश करें जितना भी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने की का मतलब जो भी आप रिसर्च पेपर जितना पढ़ सकते हैं कोशिश करें। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि रिसर्च पेपर एकदम से समझ में आ जाते हैं, खासतौर से बहुत ज़्यादा टफ पेपरों को ना पढ़ें, क्योंकि एकदम से कोई इंसान अगर 30 साल से उस फील्ड में रिसर्च कर रहा है तो उसके पेपरों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों के रिव्यू रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं, रिव्यू रिसर्च आर्टिकल्स थोड़े पढ़ने में और समझने में आसान पड़ते हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी होती है, तो रिव्यू रिसर्च आर्टिकल पढ़ सकते हैं। रिव्यू रिसर्च आर्टिकल में क्या होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिव्यू रिसर्च आर्टिकल में उस फील्ड में काम पता चल जाता है कि पहले इसने ये काम किया, फिर इसमें ये, इसने ये किया, इसने ये किया। तो आप क्या करें, रिव्यू रिसर्च आर्टिकल पढ़ें, उससे थोड़ा और ईजी पड़ जाता है। और जब रिव्यू रिसर्च आर्टिकल खूब सारे पढ़ लें तो फिर रिसर्च आर्टिकल उस फील्ड में पढ़ें कि लेटेस्ट जो लोगों ने रिसर्च की है वो क्या क्या की है। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते समय पे ये याद रखें कि आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक कंसेप्ट सारा आ जाए, मीन्स क्या क्या सिद्धांतों पर काम किया, किसने क्या काम किया, उसका एक सिस्टमेटिक स्टडी हो। जैसे आपने सपोज किया कोई जिस पे भी आपने प्रोजेक्ट बनाया वो डिस्कवरी उसकी 1915 में हुई, तो 1915 से लेके अगर अब हम 2021 में बना रहे हैं तो उसमें ये कोशिश करें कि जो भी 1915 से लेके और 2021 के बीच का कंटेंट है इस फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट इस फील्ड में हुए हैं। तो क्या होगा कि जब आपको ये पता है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का आपको डेवलपमेंट सारा पता होगा और आप अपने उसमें डालेंगे जो रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे कि इसमें ऐसे ऐसे ये फिनोमेना डिस्कवर हुआ और इस फिनोमेना का इस तरीका से डेवलपमेंट हुआ, उसके जो हमारे कंसेप्चुअल बेसिस हैं उनको सबको डिस्कस करें, उसके अलावा उसमें जो प्रॉपर डायग्राम्स हुए हैं यूज हुए हैं उन्हें सब डिस्कस करें, उनके क्या एप्लीकेशंस उठा रहे हैं उसे देखें, लेटेस्ट रिसर्च हैं उसमें क्या हुई हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च हुई हैं उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, फर्दर जो स्कोप्स हैं वो क्या क्या हैं, आगे क्या क्या फील्डों में रिसर्च हो सकती हैं। जो लोग उसके अंदर रिसर्च प्रोजेक्टों में आप देखेंगे उसमें लोग सजेशन देते हैं कि फर्दर इस फील्ड में जो है ये रिसर्च का स्कोप है, वो सारा का सारा पढ़ें। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना आसान पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये इस फील्ड में आप जो है रिव्यू आर्टिकल्स, रिव्यू रिसर्च आर्टिकल्स और जो लगातार काम हो रहे हैं वो पढ़ें, लेकिन उन्हीं को देखें खासतौर से जिनमें आप देखें कि लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उन्हीं पेपरों को पढ़ें। कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ हो जाती है कि उसे समझने में दिक्कत होती है, तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज वाले उनको ना पढ़ें। अब बच्चे सोच रहे होते हैं कि सर ये हम लिटरेचर का ये जो है वो कहाँ से लेंगे, कहाँ से पेपर आएंगे, तो आप क्या करें कि जैसे ही आपने जो भी ऑप्ट कर रखा है उस फील्ड में आप गूगल पर जाएँ और उसे डाल दें। रिसर्च गेट पर बहुत सारी जो है PDF पड़ी रहती हैं, तो रिसर्च गेट पर जा सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDFों को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट इतना भी इकट्ठा ना कर लें कि उसको कवर ना कर पाएं, इतना ही कंटेंट रखें। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप UG के लेवल पर चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपका बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं होगा रिसर्च प्रोजेक्ट तो भी चलेगा, लेकिन अगर PG पे आप कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन का तो थोड़ा सा डीप उसमें दिखाई देना चाहिए कि आपने चीज़ों का बहुत करीबी से अध्ययन कर लिया है। क्योंकि जब भी आप जाएंगे, आप अपना इंटरव्यू देंगे, कहीं रिसर्च में देंगे, तो वो आपसे जनरली रिसर्च का जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के ऊपर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया है या नहीं किया। तो रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको बताना पड़ेगा भाई हमने ये तैयार किया है। और ये भी कोशिश करें कि जो भी आप ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करें कि आगे फर्दर रिसर्च आप उसी फील्ड में करें, जिसके चलते क्या होगा आपको बहुत सारा जो है 4 महीने 6 महीने या साल भर की लीज तक आप पा सकते हैं आप उसी लेवल पे। तो जब भी आप रिसर्च में बैठेंगे, वहाँ पहुँचेंगे रिसर्च करते समय, आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको फंडामेंटल कंसेप्ट पहले से ही क्लियर होंगे, आपको ये पता होगा कि लोगों ने क्या क्या काम इस फील्ड में कर रखा है, तो बहुत सारा आपको लिटरेचर अध्ययन पहले से किया हुआ होगा, तो आपको रिसर्च पेपर भी लिखना आसान होगा। और ये भी कोशिश करें कि रिसर्च प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इतना ज़्यादा एनहांस कर लें कि उस पर कोई बहुत अच्छा जो रिसर्च पेपर है वो आपका पब्लिश हो जाए अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए और आपके करियर के लिए। तो बहुत सारी बातें इसमें मैं डिस्कस कर रहा था, सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने हाफ एंड आवर का ही इसमें वो रख रखा है, तो कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आप बताएं कि ये आपका आपको कैसा लगा मेरा। और कुछ फर्दर अगर रिसर्च में पूछना चाहते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो खासतौर से क्योंकि मैं मेरठ में रहता हूँ, तो मेरठ के बच्चे अगर चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में कि वो कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं,
तो मैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, और बाकी भी देश के बच्चे जहाँ भी दूर दराज के इलाकों में हैं, गाँव में, कस्बों में, जहाँ भी हैं, वो चाहते हैं कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर, तो मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरे देश के बच्चों को गाइड करने के लिए इस फील्ड में तैयार हूँ। तो ये मेरा नंबर है, मैं शेयर कर रहा हूँ, 9837100888। ये मेरा नंबर है, ये मेरे नंबर पर आप पूछ सकते हैं कि सर हमें रिसर्च प्रोजेक्ट में कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च के थ्रू कोई भी गाइडेंस या फिजिक्स में करियर के लेने के चलते अगर कुछ कोई बच्चा पूछना चाहता है तो इस नंबर पे मुझसे बात कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो कई बार मैं तुरंत से रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उस पर कमेंट ना करें, क्योंकि आप भी ये भी सोचें कि मैं पूरे देश के बच्चों को गाइड कर रहा होता हूं, तो सबको कई बार समय देना थोड़ा मुश्किल भी होता है। मुझ पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं अपने, मैं रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल और राइटिंग, पढ़ना लिखना, और साथ साथ तुम्हारे लिए वीडियो बनाना, तो बहुत सारे काम औरों में भी बिजी रहता हूँ। कॉलेज की जिम्मेदारियाँ और सोशल जिम्मेदारियाँ वैसे भी होती हैं, तो उसको समझते हुए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी कोऑपरेट करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैं लगातार इस पर कंटेंट देता रहूँगा रिसर्च गाइडेंस के नाम पर। तो आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी आपकी क्वारीज हैं वो आप क्वारीज में डाल दें, इस वीडियो के नीचे डालें, मैं उनमें रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा से जल्दी बच्चों को रिप्लाई देने का। तो मुझे उम्मीद है कि रिसर्च गाइडेंस का जो मैंने एक श्रृंखला आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आप बताएं कि ये जो विचार हैं मेरे वो आपको कितना प्रभावित करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि ये सभी वीडियो गाँव के उन बच्चों को मेरी तरफ से पूर्णतः हैं, उन्हीं बच्चों के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन है मेजर तौर पर, जो गांव से रहते हैं, कस्बे और दूर दराज के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों के लिए है। और ये रिसर्च गाइडेंस का जो मैंने सोचा है वो यही सोचा है कि जो बच्चे बहुत दूर हैं, बहुत गाँव में हैं, बहुत इंटीरियर इलाकों में रह रहे हैं, वो बच्चे अपने रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें और अपने जीवन की जो आधारशिला है उसको कैसे मजबूत करें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।